नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कुछ हिस्सों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुना शिवपुरी समेत 19 जिले ऐसे हैं जहां पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन में येलो अलर्ट है। राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में येलो अलर्ट है। अमरवाड़ा, खरगोन और खंडवा में भी येलो अलर्ट है। निवाड़ी में सबसे ज्यादा 47.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ में येलो अलर्ट है। जहां पर रेड अलर्ट है यानी कि वहां पर गर्मी की मार ज्यादा पड़ रही है। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। नौतपा के पांचवें दिन आग बरसेगी। रायपुर में पारा पहुंचा है 45 डिग्री। सबसे गर्म रायगढ़ में 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 40.7 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। बलरामपुर में 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। 31 मई तक तापमान में परिवर्तन का कोई अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू चलेगी। 31 मई से 2 जून के बीच बारिश होने का भी अनुमान है। तो एमपी हो या छत्तीसगढ़, हर तरफ भीषण गर्मी की मार से हर कोई परेशान है। और ऐसे में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 12 से 5 बजे के बीच में घर से बाहर ना निकले, लू से खुद का बचाव रखें, हाइड्रेट रखें बॉडी को। थोड़ा गिरावट आएगा, 1 से 2 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। तो कल से जो है हीट वेव की संभावना नहीं रहेगा, लेकिन जो है गर्मी बरकरार रहेगा। 5 जून तक जो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए उस पीरियड में। और पानी की संभावना सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो है 1 जून से जो है बस्तर संभाग में हल्की बारिश की संभावना है। और जहां तक मानसून की बात है, समय पर आने की संभावना है अपने। तो दुर्ग संभाग में भी लू चलेगी। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है मानो आग बरस रही हो। नौतपा का ये दिन है। ऐसे में रायगढ़ सबसे गर्म रहा है। रायगढ़ में जो पारा था, हीट वेव का अलर्ट है। रायपुर, बिलासपुर में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग भी उन संभागों में से एक है जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव, और मध्य प्रदेश में मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहले तनु, आपका मैं रुख करती हूँ। छत्तीसगढ़ में गर्मी वैसे भी बहुत पड़ती है, लेकिन इस बार की गर्मी में तो हाहाकार मचाया हुआ है हर तरफ। जी बिल्कुल, देखिए नौतपा के छठवें दिन भी भीषण गर्मी का कहर जो है वो अब तक जारी है, और सुबह से ही लोगों को गर्म हवाओं के थपेड़े जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। आज मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के लिए हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो दिन में भी हीट वेव का अलर्ट अभी जारी हो रहा है, साथ ही रात में भी गर्म हवाओं के थपेड़े जो है 10-11 बजे तक उन लोगों को झेलने पड़ते हैं। अभी हम लोग इस वक्त हम मौजूद हैं एक गन्ना रस के शॉप पे, जहां पे आप देख सकते हैं गर्मी इतनी ज्यादा तेज है रायपुर में कि लोग गन्ना रस के दुकानों पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। सुनसान आपको नजर आ रहा होगा, यही हालात जो है वो रायपुर के रास्तों पर भी जो है वो नजर आता है। हम दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं, भैया बहुत गर्मी है, लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? जी आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। कितने बजे शॉप ओपन करते हैं? 10 बजे रात। सुबह रहते हैं कि नहीं रहते? कम रहते हैं, इतना कड़क धूप है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे। कितने
तो देखिए जैसा भैया बता रहे हैं कि गर्मी इतनी तेज है कि रायपुर में अब शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर भी लोग जो है दोपहर में नहीं पहुंच रहे हैं। सड़कें भी ऐसी सुनसान जो है वो बनी हुई है। लोग दोपहर में सड़कों पर अब निकलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कोई भी बाहर निकल रहे हैं वो स्कार्फ छाते का सहारा लेकर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर जो है 45 के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में भी टेम्परेचर 45 के आसपास ही बना हुआ है अभी कुछ दिनों तक, और इस गर्मी से राहत मिल पाना भी जो है मुश्किल है। हालांकि 31 मई के बाद जो है बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन अभी लोगों को कुछ दिनों तक गर्मी के थपेड़े जो है वो झेलने पड़ेंगे। जी तनु, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित, मुरैना में क्या हाल है, जरा आप बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज नौतपा का छठवां दिन है, और लगातार जब से 25 तारीख के बाद यानी कि नौतपा की शुरुआत हुई है तभी से लगातार गर्मी में इजाफा हो रहा है। और बीते रोज देखा गया था कि 40 से 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था और आज फिर से 45 डिग्री को पार टेम्परेचर है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सुबह नहीं, अब मुरैना में भी, ग्वालियर चंबल अंचल सहित मुरैना में भी दोपहर हो रहा है। सुबह 6 बजे से ही लोग घरों से निकलते हैं, लेकिन 10 बजे तक अपने जो आवश्यक कार्य होते हैं उनसे फ्री होकर के घरों में फिर से प्रवेश कर जाते हैं, और शाम को 5 बजे के बाद यानी कि जो आवश्यक कार्य होते हैं तो फिर से उनके लिए निकलते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। बीते रोज कलेक्टर ने भी बैठक ली थी और साफ कर दिया है कि आवश्यक कार्यों के लिए निकलें तो पूरे तरीके से बॉडी को कवर करके निकलें और तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, क्योंकि जो लू के थपेड़े हैं, राजस्थान से जो हवा आती है एमपी में प्रवेश करती है, वो मुरैना भिंड श्योपुर यानी कि जो चंबल के ये वो राजस्थान से सटे हुए इलाके हैं, इनसे ही होकर के एमपी में दाखिल होती है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो एमपी का मुरैना हो या भिंड हो या फिर श्योपुर हो, ये तीनों जिले गर्म रहते हैं। हालांकि बीते 2 दिन पहले देखा गया था कैलाश में एक व्यक्ति की मौत हुई थी इसी गर्मी के चलते। बीते रोज भी देखा गया था कि एक दिल्ली से मंडला का व्यक्ति आ रहा था, इस दौरान धौलपुर से मुरैना के बीच ट्रेन में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के चलते, गर्मी के चलते जो स्ट्रोक लग रहा है उससे मरने वालों का आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है। प्रशांत कटारे भी जुड़ गए हैं भोपाल से, राजधानी भोपाल से हमारे साथ। प्रशांत, क्या कह रहा है मौसम विभाग, आने वाले कुछ दिनों के लिए राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं, या अभी ऐसी गर्मी से जूझना होगा? देखिए पढ़ना, अभी आने वाला लगभग एक सप्ताह कोई राहत की उम्मीद कम से कम मध्य प्रदेश में तो नज़र नहीं आ रही। हालांकि केरल में भले ही मानसून दस्तक दे जाए संभव 1 जून को, लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो आशा है वो मानसून आने की लगभग 20 जून के आसपास ही रहेगी। लेकिन आज के लिए अगर हम बता दें पढ़ना, जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का, वो कुछ ज़िले जहाँ सीवियर हीट वेव यानी कि तीव्र लू मतलब हीट वेव से भी आगे वाली कंडीशन सिचुएशन बनी रहेगी, इनमें सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, छतरपुर, निवाड़ी शामिल है, मैहर भी शामिल है। जबकि राजधानी भोपाल में हीट वेव का अलर्ट किया गया है। राजधानी भोपाल के साथ साथ आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे विदिशा हो, रायसेन हो, दूसरे ज़िले, यहाँ भी हीट वेव लगातार चलती रहेगी। टेम्परेचर अभी भी लगभग 45 के आसपास वाला ही बना हुआ है, लगभग थोड़ा 19-20 चल रहा है और ये हीट वेव वाली कंडीशन है। जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, वो लगातार हिदायत दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी हिदायत दी गई है कि जो 11 से 4 बजे का समय है अवॉइड करें आप इस टाइमिंग में बाहर निकलने की, ताकि आप सुरक्षित रहें, चूँकि लगातार सबसे ज़्यादा जो हीट वेव या फिर लू लगने की जो संभावनाएँ होती हैं वो इसी पीरियड में होती हैं, इसी ड्यूरेशन में होती हैं। इसलिए इस टाइमिंग में कोशिश ये करें कि आप इससे पहले या बाद में अपने कामों को निपटाएं। दूसरा, जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे अमित, बता रहे थे कि डॉक्टर्स और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह भी रहे हैं कि तरल पदार्थ लगातार आप पीते रहें, और केवल पानी पीने से बात नहीं बनेगी बल्कि ऐसे इलेक्ट्रॉल या दूसरे इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो आपको लगातार पीने होंगे, ताकि आप इस सिचुएशन से बचे रहें लगातार। चूंकि हालांकि कुछ दिन और, अगर हफ्ते भर हो सकता है कि हफ्ते भर ये सिचुएशन रहे, इसके बाद तापमान धीरे धीरे थोड़ा और डाउन हो, लो हो, ये अनुमान अभी मौसम विभाग जता रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम एक हफ्ते कोई बहुत राहत मिलने की आशा पड़ना न केवल राजधानी भोपाल के लिए बल्कि हम पूरे मध्य प्रदेश की करें तो मिलने नहीं जा रही है। उसके मद्देनज़र आपको अपनी तैयारियां रखनी होगी। अगर हम जिक्र करें हीट वेव का भी, जो सीवियर हीट वेव का जिक्र हमने किया कि आखिर कहाँ कहाँ सीवियर हीट वेव है, हीट वेव में भी भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, शाहजहाँपुर, आगर, मालवा, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, ये सभी वो जिले हैं जहाँ पर हीट वेव चलती रहेगी। इसके अलावा गुना, उमरिया, दमोह में भी हीट वेव, और हीट वेव के साथ यहाँ पर गर्म हवाएं भी चलेंगी, यानी कि रात भी गर्म रहने वाली है।
रात भी कई जो दिन में भी गर्मी की मार से दो चार होना पड़ेगा, और रात में भी अगर आप सोचें कि राहत थोड़ी सी मिलेगी, तापमान में गिरावट होगी, तो ऐसी फिलहाल राहत अगले एक हफ्ते में तो नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस पूरी बातचीत के लिए। और गर्मी बहुत है बाहर, तो आप तीनों ही अपना ख्याल रखिए जो भी हमारे तमाम सहयोगी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए काम है इसलिए बाहर निकलना जरूरी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अगर जरूरी ना हो तो इस समय धूप में बाहर निकलने से बचिए। बढ़ते आगे बात टीकमगढ़ की करते हैं। यहां भी जो लोग हैं वो प्रचंड गर्मी की मार से जूझ रहे हैं, तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में शहर के कुंडेश्वर मंदिर में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए वहां पर कूलर और एसी का इंतजाम किया गया है। तो टीकमगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, ऐसे में क्योंकि और 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा, कम थोड़ी है, और 45 डिग्री टेम्परेचर। तो भगवान को भी यहाँ गर्मी ना लगे इसीलिए यहाँ पर एसी और कूलर का इंतजाम किया गया है। और 45 की बचाने के लिए एसी लगवाए, कूलर लगे, पंखा चला रहे, गर्मी कैसे बढ़ रही, गर्मी तो 47 से ऊपर डिग्री से चला जाना, और निकल नहीं पा रहा है आदमी सड़कों पे, मंदिरों में भगवान को भी गर्मी लग रही है। हाँ मंदिरों पे भगवान गर्मी लग रही, और जो टाल से बगान पे तो जैसे आग ही छूट रही पूरी, नहीं भगवान लू लगती है, भगवान लू लगती है, गर्मी लगती है, जैसे अपन लगती है उन्हें लगती है, अपने भाव से अपने भगवान ऐसी है, नर नारायण एक ही है, इसलिए बचाने के लिए लाने एसी लगवाई, कूलर लगवाए, पंखा चल रहा है, और अब ठंडक है इतने मंदिर पे। वहीं इंदौर में भीषण गर्मी के बीच लोग स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। जिले में तापमान लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है, गर्मी से लोग बेचैन हैं। दूसरी तरफ इंदौरी -8 डिग्री तापमान में बच्चों के साथ कश्मीर का मजा ले रहे हैं। गर्म हवा के थपेड़ों से परेशान इंदौर के लोग स्नो गेम जोन पहुंच रहे हैं। दरअसल इंदौर में आरओ वाटर से फ्रेश और स्नो जोन बनाए गए हैं, जहां पर लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और ठंड का आनंद ले रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एसी की इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने के चलते आग लगी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की यह घटना है। टावर 28 के 10th फ्लोर के फ्लैट में ये आग लगी और ये 11वें फ्लोर तक आग जा पहुंची। गनीमत रही कि वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा था, इसीलिए वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चीफ फायर ऑफिसर ने लोगों से अपील की है कि वो 24-24 घंटे एसी ना चलाएं, बीच बीच में एसी को भी थोड़ा आराम दें। तो सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी है, जहां पर ये आप देख रहे हैं आग के लपटे। ये भीषण आग लग गई थी एसी की इंडोर यूनिट में, और ये 10वें फ्लोर पर आग लगी थी, जो आग की लपटे 11वें फ्लोर तक भी जा पहुंची। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी और फ्रिज में ब्लास्ट होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्लास्ट की खबरें चिंताजनक तो हैं ही, साथ ही सावधान भी करती हैं। रिपोर्ट देखिए। गर्मी में एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, भीषण गर्मी में ये जानलेवा हो सकते हैं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। तस्वीरें रायपुर की है। इस कमरे का मंजर देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर भयानक हादसा हुआ। दीवारों पर कालिख होती है और एसी की तो पहचान तक मुश्किल हो चुकी है। ताजा मामला राजधानी रायपुर के राजीव नगर का है, जहाँ पर
हीट होने की वजह से एसी में ब्लास्ट हो गया था और जिसके कारण घर में जो है वो आग लग गई थी। हालांकि समय पर ही आग पर काबू पा लिया गया था और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीवारों पर धुएं की काली खाप को नजर आ रही होगी। एसी की बॉडी भी आपको दिख रही होगी कि प्लास्टिक की बॉडी होने की वजह से एसी भी जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। ये तो एसी की बात हुई, अब एक और तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं, घर तहस नहस हो गया, औंधे मुंह फ्रिज पड़ा है और कंप्रेशर में ब्लास्ट के बाद घर की तस्वीर बदल गई। हनीमत रही कि घर के लोग बाल बाल बच गए। हादसा केवल छत्तीसगढ़ में हुआ हो ऐसा भी नहीं, गाजियाबाद के वैशाली की तस्वीरें भी जरा देखिए। कमरे में एसी फटने की वजह से आग लग गई, आग की वजह से कमरे में रखा बेड जल गया। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं। तो हमारे साथ यहाँ पर घर के कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था कल यहाँ पर, कैसे लगी थी आग। तो अचानक से पता चला धुआं निकलने लगा तो देखे तो यहाँ पे फ्रिज में आग लग गया था, अचानक से ब्लास्ट हो गया। आसपास के यहाँ पे सामान था वो भी सब जल के राख हो गया। अच्छा हुआ कि आजू बाजू में वाले घर पे आग नहीं लगा। वहीं गाजियाबाद के ही राजनगर एक्सटेंशन में बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन में अचानक से आग लग गई। सोसाइटी के लोगों की नजर इस बालकनी पर पड़ी और लोगों ने आग पर समय रहते काबू पा लिया, वरना यहां पर भी बड़ा हादसा हो सकता था। गर्मी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका इस्तेमाल बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात आती है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जब भी एसी हम इंस्टॉल करें उसको जितना फ्री एयर पे पॉसिबल हो वो उस पर लगाएं। फ्रिज को हम जितना दीवार से थोड़ी दूर रखें वो पॉसिबल हो उस पर करें, जिससे उसमें टेम्परेचर को प्रॉपर स्प्लिट होने के लिए समय मिलेगा, जिससे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और जब भी आप एसी इंस्टॉल करा रहे हो तो कभी भी एक तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से इंस्टॉल कराएं। देश में गर्मी अपने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है, ऐसे में हीट वेव को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी सावधानी से करने की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गंगरेल बांध अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। धमतरी के इस बांध में उसकी क्षमता का सिर्फ 8% पानी ही बचा है और मॉनसून आने में करीब 3 हफ्ते का समय बाकी है। ऐसे में मॉनसून के आने में थोड़ी और अगर देर हो जाती है तो यहां स्थिति भयावह हो सकती है। गंगरेल बांध की कुल क्षमता 32 TMC पानी की है, इस वक्त इसमें से 2 TMC पानी बचा है। गंगरेल बांध की दो तस्वीरें हैं, एक में बांध में पानी दिखाई दे रहा है जबकि दूसरे में सूखी हुई जमीन दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां आप देख पाएंगे पहले की स्थिति और अब की स्थिति। एक तरफ पानी ही पानी है और एक तरफ सूखा हुआ आपको दिख रहा है। 1978 में गंगरेल बांध का निर्माण किया गया था, उसके बाद ये पहला मौका है जब बांध में इतना कम पानी बचा हो। जल संकट को देखते हुए 5 जिलों के 800 से अधिक तालाबों में गंगरेल बांध से पानी भरना पड़ा, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। गंगरेल बांध अभी 2 TMC की क्षमता पे है और डेड स्टोरेज हिट हो चुका है। ये पानी ज्यादा दिनों के लिए उपयोगी नहीं है और क्योंकि डेड स्टोरेज के लिए हिट हो चुका है तो जहां बहुत जरूरी है वहीं पे रिलीज कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में अब बांध की टेक्निकल गाइडेंस के हिसाब से रिलीज नहीं कर सकते। उसमें भी ये लिखा रहता है कि डेड स्टोरेज हिट होने के बाद केवल जो बहुत विषम परिस्थितियों में जरूरी है उसी के लिए रिलीज करते हैं, वरना टेक्निकली बांध का जो स्ट्रक्चर है वो अलाउ नहीं करता। बालाघाट जिले के सरादाव में मलेरिया का प्रकोप है। इस गांव में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अभी गांव में 12 से ज्यादा लोग बीमार हैं, इसमें 4 छोटे-छोटे बच्चे शामिल हैं। वनग्राम सरा बालाघाट जनपद की रट्टा पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ आदिवासी बैगा समुदाय की एक छोटी आबादी रहती है। साफ सफाई को लेकर जागरूकता की कमी की वजह से ग्रामीण मलेरिया की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में जागरूकता अभियान चलाने की सख्त आवश्यकता है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में टीम भेजने जाँच और इलाज की बात कही है। अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।